हेलो दोस्तों, मैं राजीव पांडे भूमि 91 चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी जिसका वह बंद होने जा रही है, उसकी सेवाएं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तो उस कंपनी का नाम क्या है और इसकी क्यों बंद हो रही है, इसके बारे में बताऊँगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रोज़ नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सी टेलीकॉम कंपनी हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। देश के दिग्गज कारोबारी समूह टाटा ने अपने दूर संचार सेवा को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के माने कि टाटा ग्रुप के आधिकारिक ट्वीट में भारत सरकार को यह सूचना दी है कि टाटा सेल्युलर मतलब यानी टाटा डोकोमो को बंद करने जा रही है। कंपनी की जानकारी के अकॉर्डिंग टेलीकॉम सर्विसेज को बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संभावना इस ओर लगा रही है कि अगले हफ्ते तक टाटा डोकोमो की स्थायी सेवाएँ सारी बंद कर दी जाएंगी। कंपनी की सूत्रों की माने तो टाटा टेलीकॉम की सेवा लंबे समय से घाटे में चली थी। इस यूनिट को बेचने में नाकाम रहने के बाद उनके जो चेयरमैन हैं चंद्रशेखर, अब इस कारोबार को समेटने पर विचार कर रहे हैं। टाटा रिलायंस ग्रुप की पहली ऐसी कंपनी होगी जो 149 सालों के इतिहास में बंद किया जा रहा है। टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना सन 1996 में लैंडलाइन ऑपरेशन के साथ ही की गई थी और इसे 2002 में CDMA ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। तो अगर घाटे में चल रही इस कारण इसको टेलीकॉम से बंद कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, ओके बाय, आज के लिए इतना ही।